यस डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस जेके बोस में हम बच्चे यूनिट 5 हमने शुरू किया हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें डाटा स्ट्रक्चर में हमने वन डायमेंशनल एरे पढ़ना है और साथ में इसमें इसका ट्रैवर्सल पढ़ना है आज, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे में तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि एरे क्या होता है। एरे इज़ वन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर इन सी प्लस दैट कैन स्टोर अ फिक्स्ड साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। मतलब एक ही नाम के अंदर हम काफ़ी सारे एलिमेंट्स सेम टाइप के स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, सेम टाइप के डाटा एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को हम लोग सिक्वेंशली स्टोर कर सकते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए 1, 2, 3 जो साइज़ होगा। सपोज साइज 10 है तो 10 में हम स्टोर कर पाएंगे। तो अब ऐसा होगा कि इसमें इनिशियलाइजेशन मैंने बताया थी कि एक बार हम एरे बना लेते हैं। देखिए, अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे में देखिए, एक बार एरे 5 साइज़ का हमने बना लिया, 0, 1, 2, 3, 4 इसका इंडेक्स हो गया कि 0 से शुरू करेंगे तो 4 तक चलेगा इंडेक्स। तो एज अगर हमने बना ली कि रिकॉर्ड में कि 22 किसी की एज, 25 किसी की एज है, तो सभी में एज ही स्टोर हुई है, किसी में नेम या कोई और चीज़ स्टोर नहीं हुई है, कोई मार्क्स नहीं स्टोर हुए, ना ही नेम स्टोर हुआ। इसमें क्या स्टोर हुआ, इसमें आपका ये स्टोर हुआ है एक ही तरह का डाटा जो है एज, ठीक है, वो इंटीजर टाइप डाटा है। तो इसको लिखने का तरीका जो था वो था, ऊपर आप देखिए, इंट एज 5 इज इक्वल टू सबसे ऊपर टॉप की लाइन 25, 22, 25, 30, 32, 35। तो इस तरह से हमने ये डाटा हमने लिख दिया, इनिशियलाइज कर दिया एरे में। अब बात करते हैं ट्रैवर्सल कैसे होगा, ट्रैवर्सल इन एरे का। कि ट्रैवर्स का मतलब एक बार आपने डाटा फीड कर दिया तो उसके बाद उस डाटा को हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, उसको कैसे रीड कर पाएंगे, इन आउटपुट में ले आप ला पाएंगे या प्रोसेसिंग कर पाएंगे। तो ट्रैवर्सल क्या होता है, प्रिंट ऑल द एरे एलिमेंट्स 1 by 1 और प्रोसेस द ईच एलिमेंट 1 by 1। तो ट्रैवर्सल में क्या होता है कि हम एरे के एलिमेंट्स एक के बाद दूसरा इस तरह सीक्वेंस में उसको आउटपुट में लाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, या प्रिंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोग्रामिंग में कैसे हम काम करते हैं, कैसे लिखेंगे प्रोग्राम में। तो इसमें आ गया, देखिए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट है, पहले से करते आए हैं। मेन के अंदर आपने इंट नंबर 5 किया तो नंबर्स नाम का आपने एक एरे बना लिया, इसमें 5 साइज दे दिया। अब देखिए, लूप फॉर लूप चला रहे हैं हम, सबसे ऊपर देखिए टॉप में, कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस आई, इसका मतलब है कि लूप चलेगी 0 से शुरू हो जाएगी और लेस देन 5 मतलब 4 तक चलेगी। तो सी इन हम लोग कर रहे हैं, सी इन कर रहे हैं हम नंबर्स आई, और सम प्लस करके हम सम भी डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको हम प्रिंट करें या यूज़ करें उसी को ट्रैवर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सी इन कर रहे हैं, सी इन का मतलब कि नंबर्स आई एरे में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो वही उसमें सम भी साथ साथ कैलकुलेट होता जा रहा है कि सम में सभी नंबर्स का सम हो जाएगा। तो आउटपुट अगर हम देखें इसका, तो आउटपुट आ रहा है एंटर 5 नंबर्स, तो हम एंटर करेंगे 3, 4, 5, 4, 2, तो सम आ गया 18, ये इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो अब हम बात करें कि और भी तरह के मैंने प्रोग्राम आपको दिए हुए हैं, ये फिर नेक्स्ट टाइम कभी पढ़ेंगे, लेकिन अगर यही सी आउट जो है आप सी इन के साथ सेम आप एक लूप बना लें, आप देखिए यहाँ पर टॉप में सी इन के साथ जो आप लूप बना लेंगे, ये लूप बनी हुई है फॉर आई इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस और सी इन नंबर्स ली हुए, इसी जगह आप सी आउट लिख लें और सी आउट ग्रेटर देन साइन लगा लें नंबर्स के साथ, तो वो बन गया ट्रैवर्सल का प्रोग्राम। तो इसको भी ट्रैवर्सल बोल सकते हैं, अलग से उसमें सी आउट भी यूज़ कर सकते हैं इसी फॉर लूप के अंदर। वो आपका होम टास्क रहेगा कि सी इन की जगह सी आउट करके बस सी इन का पहले ये कोड लिख लेना है, उसके बाद फर्दर फॉर रिपीट फॉर लूप रिपीट करके आपने सी आउट ग्रेटर देन नंबर आई लिखना है और उसमें आपने आउटपुट एरे का अलग से भी करवाना है। तो वही होगा हमारा ट्रैवर्सल, ये इसे भी यूज़ करने को भी ट्रैवर्सल बोलते हो और प्रिंट करने को भी ट्रैवर्सल बोलते हो। बच्चे, आज का टॉपिक सिर्फ ट्रैवर्सल का था, तो ये हुआ, तो आपने ये ध्यान देना अच्छी तरह से। ऑल द बेस्ट बच्चों।